मैं नीरज मिश्रा, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं किशनगंज जिले के किशनगंज प्रखंड के मोतिहारा पंचायत में। ये शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं तदामुल हक जी। आइए सीधे तौर पे इनसे जानते हैं, इनके विकास कार्यों में जो 19 से 20 माह हो गए हैं, इस दरमियान इन्होंने सरकार की नीतियों के अधिनियम के मुताबिक जो जो कार्य किए हैं विकास के, और जो जो कार्य इनको करने थे जिसमें कि इनको बाधाएं आ रही हैं, उसके बारे में सीधी बात करते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आप लोग का बिहार झारखंड में इतने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग का आवाज़ उठा रहे हैं। मुखिया जी, सबसे पहली बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रोजेक्ट था जल, उसकी स्थिति क्या है आपके पंचायत? मेरा पंचायत में तो जल लगभग ठीक है सर, लेकिन ये सब हो जाना चाहिए, वाक्रियवन मिलना चाहिए जी, संचालन के लिए। यानी कि आप लोगों की निगरानी में रहेगा तो ये और ज़्यादा बेटर चल सकता है। बेहतर चल जी। इसी तरीके से दूसरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, सोलर लाइटिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में तो लगा भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। सोलर लाइट तो एकदम गायब उग्रह है सर, उसमें एकदम कोई मतलब 100 रुपये का बल्ब अगर घर में जला देते हैं, वो जैसा रोशने दे रहा है वो वैसा भी 30,000 का लाइट रोशने नहीं दे रहा, एकदम गायब उग्रह। यानी कि उसकी गुणवत्ता एकदम बेकार है? एकदम बेकार है सर। यानी कि भविष्य में जो स्थिति अभी धरातल पे नल जल की है उससे भी खराब स्थिति रहने वाली है? एकदम गायब उग्रह, उसका कोई ये नहीं। मुखिया जी, आपने विकास कार्य में अपने पंचायत में 15वीं सिस्टम और मनरेगा से क्या क्या कार्य किए हैं? सिस्टम 15वीं में किए हैं, छठ घाट किए हैं सर, खेबर ब्लॉक किए हैं जी, और सिस्टम से कर दिए हैं, चार दीवारी ये सब किए हैं, स्कूल का, आंगनबाड़ी का, इस सब का जो आपने बताया उसकी चार दीवारी की गई है, आंगनबाड़ी ब्लॉक बनवाए हैं, आंगनबाड़ी का किया है, खेबर ब्लॉक करवाए हैं, पीसीसी रोड भी, पीसीसी रोड भी करवाए हैं, नाला भी करवाए हैं जी। मुखिया जी, और अगर ये आपके ऊपर अगर ये बंधन नहीं होता कि इस तरीके से करना है, तो आप क्या इससे ज़्यादा बेटर अपने विकास कार्य कर सकते हैं आप पंचायत में? इससे ज़्यादा होगा सर, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, पब्लिक को पूछ के हम लोग काम करते हैं, जो ये काम अगर फेवर को लोग होने से ठीक रहेगा या जी पीसीसी रोड ठीक रहेगा, हम लोग तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, पब्लिक का मुद्दा लेके हम लोग डायरेक्ट पब्लिक के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि आप लोग ग्राम सभा करते थे, उसके अंदर जो आप लोगों का फैसला होता था जो कार्य करने हैं, उस हिसाब से आप लोग उन्नति और तरक्की करते थे? जी सर, अभी तो ग्राम सभा तो खाली नाम का रख दिया है, बाकी अपना सरकार जो हिसाब से बताएगा उस हिसाब से करना है, आपको खाली साइन करने का जिम्मा दिया है, बाकी और कुछ नहीं है, निर्णय लेने का आदेश है ऊपर से। यानी कि मुखिया को मुखौटा बना करके रख दिया गया है? एकदम गया गुजरा बना के रखा है सर, पंचायत में मुखिया पद रहना नहीं रहना बेकार। आप लोगों के मानदेय के बारे में, जो आप लोगों के लिए रखा गया है पंचायत सचिव, उनकी उनका मानदेय और आप लोगों का जिनके लिए कि वो काम कर रहे हैं, आप लोगों के मानदेय के बारे में, जो आप लोगों का मानदेय है काफ़ी निंदनीय है जैसा कि आपने बताया 2500 रुपया, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? हम लोग का मानदेय जो है सर्वनाश जैसा मानदेय है, 2500 रुपया तो आजकल आम पब्लिक एक ठो चाय पी लेता जी, तो हम लोग इतना भरपन कैसे करेंगे? 2500 रुपया मानदेय में कुछ होने वाला है क्या करेंगे हम जी? मोटरसाइकिल का तेल नहीं पुरेगा या चाय पानी नहीं पुरेगा, कैसे हम लोग चलेंगे जी 2500 रुपये? आपकी जो मूल समस्या है यहाँ पे, जो कि आपने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के, उसके बारे में क्या समस्याएं आती है जब आप पंचायत में लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मृत्यु प्रमाण पत्र तो हम लोग पंचायत से इश्यू कर रहे थे, तो 1 रुपया किसी से नहीं मांग, शर्म लग रहा है, जो आदमी मृत्यु हो गया उसका पास कैसे हम आएंगे पैसा? और अभी ब्लॉक में चल गया, 500 रुपया दीजिएगा तो बनेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। यानी कि ऑफिसर शाही चल रही है और यहाँ पे करप्शन बढ़ रहा है? ऑफिसर शाही एकदम बिल्कुल करप्शन चल रहा है सर जी। आपके पंचायत में जब आप भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों का मूल ये समस्या जो भी आपने बताया है, ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और उसके बाद वो जो आपको उन्होंने चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो
तो उस वक्त किए गए वादों के बारे में आपसे पूछा जाता हो तो आप क्या कहते हैं? हम लोग बोल रहे हैं जो सरकार से थोड़ा हम लोग को पाबंदी लगा दिया है, हम लोग क्या करें जी? हम लोग का हाथ में रखा नहीं है, ग्राम सभा भी वही लोग आदेश कर रहा है, सब कुछ वही लोग कर रहा है, तो हम लोग क्या करें? मजबूर है, कहीं गाली सुन के आना पड़ रहा है, कहीं और दो चार बात सुन के आना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है हम लोग को। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक प्रतिनिधि को जनता के बीच जा करके अपना मुंह छुपा के आना पड़ रहा है, गालियां सुन के आनी पड़ रही हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मुखिया जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायत राज मंत्री जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उससे भी और ज़्यादा गंभीर एक योजना है जी, कबीर अंत्येष्टि पैसा जी, जिसके बारे में आपने बताया। कबीर अंत्येष्टि पैसा मरने का बाद मिलना चाहिए ना, मरने का तुरंत सरकार तो सरकार को तो ये निर्णय लेना जी। अगर मरने का 6 महीना बाद दीजिएगा तो वो पैसा कोई काम का आएगा जी? 2 साल बाद दीजिएगा तो काम का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ तो 2 साल हो गया, अब तक आवंटन ही नहीं आ रहा कबीर अंत्येष्टि का, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का पास आ रहा है, हम लोग अपना पकड़ से लास्ट में घर बेच के जमीन बेच के देना पड़ता है पब्लिक को। मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए आपको पब्लिक को देना पड़ता है अपने पॉकेट से, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहती। नहीं सर, एकदम बिल्कुल सुन नहीं रहा, कान बहरा कर लिया है सरकार, हम लोग का प्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं रहा। इससे बढ़िया ये चुनाव ना कराए जाए, मुखिया पद ही हटा दिया जाए। अगर सरकार खुद ही करना चाहती है तो इस चीज़ पे इलेक्शन करवा के पैसा व्यर्थ करना व्यर्थ ही है। हाँ, इलेक्शन नहीं करवा के वही ठीक है, नहीं करवाए इलेक्शन, ऐसे सरकार ये अपने हिसाब से स्टाफ रख के काम करवाओगे। यानी कि पंचायती राज का पूरा हनन हुआ हो रहा है अभी आपके कहना अनुसार जी। ये थे मुखिया तजामुल हक जी, आपने सुना इनकी मजबूरी, इनकी परेशानी। मैं नीरज मिश्रा, बिहार न्यूज़, कैमरामैन सुमन के साथ, धन्यवाद।